सोलन से खादी ग्राम उद्योग में कार्यकर्त ऋषिपाल अचानक गायब हो गया। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कसौली थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले पर गहन पूछताछ की और परिजनों से मिली सूचना पर भी कार्य करना आरंभ कर दिया। पुलिस और परिजनों की शक की सुई अजय नामक तांत्रिक पर आ रुकी। पुलिस को जानकारी मिली कि अजय तांत्रिक कसौली में 1.5 माह से होटल में कमरा लेकर रह रहा था और वह मृतक के घर बच्चों को पढ़ाने भी आ जाता था। यही नहीं, वह कसौली में तांत्रिक का काम भी करता था। अजय भी कसौली से गायब था। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली और अजय को हरियाणा से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस घटना से जुड़ी सभी बातें परत दर परत खुलने लगी। जब सोलन की मुस्तैद पुलिस ने अजय पर दबाव बनाया तो उसने अपने सभी राज उगलने आरंभ कर दिया और बताया कि उसने ऋषिपाल को मारकर हरियाणा में अपने गांव में अपने घर के आंगन में ही गाड़ दिया है। पुलिस हरियाणा पहुंची और शव को गड्ढे से निकालकर उसे शिमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों को शक है कि तांत्रिक अजय और ऋषिपाल की पत्नी से मिलकर ऋषिपाल की हत्या की गई है। सोलन पुलिस ने गहन तहकीकात की और वह आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि आरोपी अजय को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे 7 दिनों का पुलिस रिमांड मिला है। 26 जून 2018 को हमारे पास सतीश कुमार आए और उन्होंने बोला कि उनका भाई ऋषिपाल 17 जून से लापता है। तो इस सूचना पे कसौली पुलिस ने उनकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद भाई और कसौली पुलिस ऋषिपाल को ढूंढती रही। फिर 7 जुलाई 2018 को सतीश कुमार जी ने एक शिकायत और करी और उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि उस ऋषिपाल की पत्नी और अजय कुमार ने ऋषिपाल का अपहरण करके हो सकता है कि उसको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई हो। गुप्त सूचना सूत्रों के आधार पर और सोलन पुलिस की टेक्निकल टीम की जो इनपुट थी उसके आधार पर कल अजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस हिरासत के दौरान उसने बताया कि इन लोगों ने ऋषिपाल की हत्या करके उसकी जो मृत शरीर है उसको अजय के पैतृक गांव केवड़क जो कि कैथल में है उसके आंगन में दफना दिया है। तो इस सूचना के ऊपर पुलिस अजय को अपने साथ लेके केवड़क गई और वहां से कल शाम को उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया।